मेरा नाम मइनुद्दीन मोहम्मद इकबाल अगसबाट, मैं टिगड़ी गली का रहवासी हूँ। मेरे प्रेस मीट करने का कारण यह है कि इस वक्त बीजापुर शहर में मेयर का इलेक्शन चल रहा है। इस वक्त 30 तारीख को मेयर का इलेक्शन होने वाला है, यानी कि वोटिंग होने वाली है 30 तारीख को। उसी सिलसिले में हमारा बीजापुर शहर में कांग्रेस का एक मेयर बटाने की, हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की और कांग्रेस के जो भी लीडर हैं उनके सबकी कोशिश यही थी कि हमें कांग्रेस का मेयर बटाना चाहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह बैठेगा। इसी सिलसिले में सब ये रेडी हुआ था कि कांग्रेस का मेयर अभी बैठेगा ही। उसी सिलसिले में आया कि एक हमें न्यूज आई, एक फ़ोन आया, एक कॉल आया कि हमारा एक जो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले एक MIM के मेम्बर जो 25 नंबर के कॉरपोरेट थे उनको अगवा करके लेके गए करके न्यूज आई मुझे। तो आने के बाद तमाम हमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, हम लोग तमाम उनको ओल्टैक कर कर एक टीम हमें लेके गए तो उनका पीछा करे थे हम लोग। तो हमें वो हली क्रॉस पे मिले, वहाँ पे वहाँ से हम लोग उनका पीछा जब किए तो कम से कम 170-180 की स्पीड से गाड़ी मार रहे थे। फिर भी मैं ओल्टैक कर कर उनका मैं ही ड्राइविंग कर रहा था तो उनका पीछा कर कर मैं उनको ओल्टैक कर कर पकड़ा वहाँ पर, जहाँ पे शिवानंद साहब का पेट्रोल पंप है वहाँ पे कॉर्नर पे उनको पकड़ा मैं। पकड़ने के बाद एक गाड़ी तो पास हो गई, एक गाड़ी पास हो गई और एक गाड़ी थी उसको पकड़ा मैं ओल्टा कर कर, आड़ा लगा कर पकड़ा। पकड़ने के बाद वो वापस रिवर्स लेकर और वापस दोबारा और वापस जाने के चक्कर में थे और मैं रिवर्स लेकर उनके आंग पे गाड़ी ले आकर खड़ा किया। खड़ा करने के बाद वो उनका मेरा थोड़ा पकड़ा पकड़ी हाथापाई हो गया, उसके अंदर मुझे ये चोट आई। चोट आने के बाद उन जब पूछा गया तो उनको, नहीं हम उनको लोग को शिफ्ट करके आए हैं तो उनको हम बात बताते हैं वो करके वो वहाँ से चले गए। यह हमारी पूरी कोशिश थी कांग्रेस को सपोर्ट कर बिठाने की मेयर को, मगर चंद हमारे ही लोग उस गाड़ी में ऐसे लोग थे, हमारे ही लोग BJP वालों को सपोर्ट कर कर 50-60 लाख में उनका सौदा किया जा रहा है एक कॉरपोरेट्स का। ये अब कॉरपोरेट्स का सौदा किया जा रहा है 50-50 लाख में उनको खरीदा जा रहा है। तो वार्ड वालों की जिम्मेदारी बनती है, वार्ड के तमाम वोटरों से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी हम वोट डालने से पहले सोचना चाहिए। जब भी मेयर का इलेक्शन आएगा तो हमको पूछना चाहिए, तो हम वार्ड वालों को, वार्ड के मेंबर को हम कंडीशन करना चाहिए पहले कि जो भी ऐसा होगा तो हमें उनको तो आके हमको बताना, हमारे से राय मशवरा करना करके पूछना हो। मेंबर वो पूछता नहीं है, कुछ नहीं है, पैसों के लिए 50-50-60 लाख को बिक जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे कौम का भी नाम बदनाम होता है और ये जो कांग्रेस का मेयर बैठने का है वो भी चला जाता है। ऐसा ही अगर करना है तो सीधे सीधे आप BJP को करो ना वोट, कौन मना करता है। अब इतना ही आपको बिकना ही है तो सीधा सीधा BJP को करो वोट, कौन पूछने वाला है आपको। लोगों को जो भोली भाली जनता है बीजापुर की, ये भोली भाली जनता को, ये चंद लोग हैं हमारे बीजापुर में, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। कभी भी जहाँ जब भी जो भी MLA इलेक्शन हो या कॉरपोरेट्स का हो चाहे मेयर का हो, उस वक्त ये अपनी चाल चलते हैं, जाकर हाथ उनसे मिलाकर अपना काम करते हैं। इसी तरह कितने बार हमें गाली दिया गया है, हमें 10 बार गाली दिया गया है कि हमें यह पाकिस्तान भेजने की भी बात की गई। हम लोगों को हम ना माँ बहन की गाली देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो तो एक अलग मामला है। अगर वो हमें गाली नहीं देते थे, वो अगर हमें गाली नहीं देते वो चुन कर नहीं आते थे क्या? उनका एक पॉलिसी है, वो एक पॉलिटिक्स है वो, मगर ये लोगों को तो समझ में आना नहीं। ये लोगों को समझ में आना चाहिए, हमारे ही लोग खुलेआम पैसों की बोली लगाकर उनको लेकर जाते हैं, कि कितनी बड़ी शर्म की बात है ये सोचने की बात है। हमें आने वाले दिनों में हम लोगों को सोचना चाहिए ये लोगों को क्या करना। ये भी हमारे लोग हैं, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ये आएंगे वापस क्या, मगर ये सोचना चाहिए उन लोगों को। तो अभी जो आप हाथ पे पट्टी बांधे हैं, क्या आपके हाथ में क्या है? ये मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, कल मिरिज जाकर मैं ऑपरेशन करके लाया। इसी मामले में हुआ है? हाँ, इसी मामले में हुआ है। जब आप जो अगवा करके कॉर्पोरेट लेकर जा रहे थे, अगर बता रहे हैं, जब आपने उन्हें पकड़ा तो तब उसमें कॉर्पोरेट से थे करके थे, हमें इन्फॉर्मेशन आई थी। हाँ। मतलब उसके अंदर जो एक गाड़ी जो थी वो पास हो गई, वो किसी ने न्यूज दे दिया कि उनको पीछा कर रहे हैं हम करके, वो न्यूज देने के बाद वो गाड़ी चले गई वहाँ से, पास हो गई वो एक गाड़ी थी, वो हमें उनको पकड़ा, हमने उनको उसमें कॉर्पोरेट्स नहीं थे, मगर जो कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करके लेकर जा रहे थे वो लोग कबूल किए और
उनको भी पकड़े भी हमें, वो बोले भी। उसमें चार आदमी थे, एक ड्राइवर मिलाकर बाकी के चार आदमी थे। कॉर्पोरेट को कहाँ पर शिफ्ट किएंगे बताएं? ये जो कॉर्पोरेट्स को लेके गए हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, किधर महाराष्ट्र को किधर को शिफ्ट करे, वो बोल रहे थे कि देख एक गाड़ी को हमने भेजा है। जब पूछे हमने उनको, जवाब डाला तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा क्या हुआ आपको, ऐसा क्यों करने के पूछने के बाद वो बोले नहीं हम लोग उनको एक जगह रखा है, आपको बताएंगे हमें छोड़ दो करके इसी बात बोले। वो किसके कहने पर किडनैप किया गया? हाँ वो इसके अंदर देखो चंद लोग हमारे भी हैं इसके अंदर, ये सीधी सीधी बात है, हमारे लोग भी हैं इसके अंदर बीजेपी वाले। तो वो अपना अपनी मेयर बटाने के लिए वो भी कोशिश करेंगे ना, वो क्यों नहीं करेंगे, वो भी अब करेंगे। मगर उनका साथ देने का जो काम कर रहे हैं वो हमारे बीजापुर के थोड़े ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनका साथ देकर, चाहे ML इलेक्शन हो चाहे कॉर्पोरेट हो, हमेशा जो है हमें निशा दिखाने का काम किए हैं। सर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जस्ट किसी के कहने पर लगा रहे हैं, कि आपके पास कुछ सबूत वगैरह हैं? अब मैं किसी के कहने पर क्यों करूंगा, कोई मुझे ना कांग्रेस वाले जो अब्दुल रजाक भर्ती जो मेयर बनने वाले हैं ना वो देने वाले हैं, ना ये बीजेपी वाले मुझे कुछ देने वाले हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये सीधी सीधी इंसाफ की बात कर रहा हूँ। आपके पास क्या सबूत है? क्या ठीक है, अब जो आरोप लगा रहे हैं ऐसे लोग थे बोलकर, आपके पास ऐसे कुछ वीडियो सबूत ऑडियो सबूत कुछ तो है क्या? मैं खुद मेरे रंगे हाथों में पकड़ा हुआ ना उन्हें, मैं खुद पीछा करा हूँ ना, हल्ली कराव से है जो रेलवे गेट है वहां से लेकर शिवानंद साहब के पेट्रोल तक, वहां तक पीछा करने के बाद पूरी इतना बहुत बड़े पैमाने पर एक कम से कम 200-250 लोग थे वहां पे, जो पूजा साहब को जो मिलने वो ये था ना ईद उनकी मिलने के लिए थे, उतने सब लोग सबूत है वहां पे। पकड़ा हूँ मैं रंगे हाथों उनको, पकड़ने के बाद वो कबूल भी किए कि हम लोग उनको एक जगह रखे हैं, आपको ला के देंगे, आप हमें कुछ मत करो। हम कुछ करने वाले भी नहीं थे, उनको मानने वाले भी नहीं थे, तोड़ने वाले भी नहीं थे। पूछे बस क्यों ऐसा क्यों कर रहा है भाई करके पूछे, उनको नहीं आपको ला के देंगे करके बोले। वो क्या आपने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है? नहीं वो भी हमारे यहाँ कैसे कंप्लेंट करेंगे, हम आपस में झगड़ कर ये हालत हो गई है हमारी, आपस में हम लोग इत्तेफाक नहीं होने की वजह से हमारी ये आज हालत हो गई है। जब आपने पकड़ा तो क्या उसके पीछे कौन है कितने बताया? बहुत से लोग हैं मगर वक्त आने पर बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा कि नहीं, ना मैं किसी के दबाव में आकर बोल रहा हूँ, ना मैं किसी कहने पे बोल रहा हूँ, क्योंकि वक्त आने पर इसके अंदर बीजेपी वाले भी शामिल हैं और हमारे लोग भी कुछ उसके अंदर शामिल हैं। क्या इसमें नगर शासक का कुछ हाथ है? बोल नहीं सकते, वो अपनी कोशिश तो आप करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे, वो भी अपना कोशिश करेंगे वो, क्योंकि उनके पास भी 17 कॉर्पोरेटर्स हैं, उनके पास भी वो भी कोशिश करने वाली। हमारा काम हमें कांग्रेस के हैं, हम लोग हमारा कोशिश कर रहे हैं हमारा मेरे बेटाने के लिए। नहीं अभी कोशिश तो कर रहे हैं कि वो जो लोग गए हैं अभी कोशिश कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, हम लोग आओ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर बोल कर बुला रहे हैं उनको, देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।